फाइनली लोकी सीजन 2 का एपिसोड 6 आउट एंड इट वाज वाव, जस्ट वाव। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लोकी के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ एंड आई विल डू माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन द मोस्ट सिंपलिस्टिक वे। एज यूजुअल इंट्रो में हमें मार्वल का लोगो दिखाते हैं बट इस बार वो उल्टा चल रहा होता है जो लोकी की टाइम स्लिपिंग को सिग्निफाई करता है। पिछले एपिसोड में हमने देख लिया था कि लोकी को टाइम स्लिपिंग कंट्रोल करनी आ गई है। इस एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि लोकी टाइम स्लिप करके एग्जैक्टली उसी जगह आ जाता है जहां विक्टर टाइमली टेम्पोरल रूम को फिक्स करने जा रहा होता है। यहां हमें पता चलता है कि लोकी अपने टाइम स्लिप को अच्छे से कंट्रोल करना सीख गया है क्योंकि अब वो टाइम स्लिप करके अपनी ही पास्ट बॉडी में जा सकता है, जबकि पहले वो टाइम स्लिप करके आता था तो उसके दो वर्जन बन जाते थे, एक पास्ट का और एक प्रेजेंट का। बट इस बार जब वो आता है तो एग्जैक्टली वो उसी बॉडी में वापस आ जाता है। यहाँ वही सीन रिपीट होता है कि विक्टर टाइमली बाहर जाता है और बाहर जाते ही उसका फिर से स्पेगेटिफिकेशन हो जाता है। यहाँ लोकी ओबी से पूछता है कि वो इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर ओबी कहता है कि उन्होंने सब कुछ करने में काफी देर कर दी। अब लोकी टाइम स्लिप करके पास्ट में जाता है और हर चीज जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है बट रिजल्ट वही होता है। इस बार वो टाइम स्लिप करके और पास्ट में जाता है और चीजें और भी जल्दी करने की कोशिश करता है बट फिर भी रिजल्ट वही होता है। अब टाइम स्लिप करके लोकी पास में वहां पहुंच जाता है जहां विक्टर एंड ओबी पहली बार मिलते हैं। यहां फिर से लोकी सब कुछ जल्दी जल्दी करने लगता है। यहां वो सबको बताता है कि थ्रूपुट मल्टीप्लायर कैसे काम करता है बट विक्टर टाइमली उसे बताता है कि उसकी डिवाइस को रेडी होने में अभी टाइम है। अब यहां लोकी ओबी से पूछता है कि उसे ओबी जितना नॉलेज गेन करने में कितना टाइम लगेगा। अब विक्टर एंड ओबी उसे बताते हैं कि उसे कम से कम कुछ 100 साल तो लगेंगे ही। अब हमें सेंचुरीज की बात दिखाया जाता है क्योंकि अब लोकी ने सब कुछ सीख लिया होता है इसलिए वो आते ही डिवाइस बना लेता है एंड वो विक्टर को जल्दी से बाहर जाने के लिए कहता है। और बाहर जाने से पहले लोकी विक्टर को कुछ और चीजें समझाने लगता है, जैसे कि देख के चलना, आगे उसे गिरने का खतरा है एंड चाहे कुछ भी हो उसे मल्टीप्लायर को नीचे नहीं रखना। इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि इससे पहले भी ये सब चीजें हो चुकी हैं जिसके कारण वो पहले फेल हुए हैं, इसलिए लोकी नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा कुछ हो जिससे उनका प्लान फिर से फेल हो जाए। बट इस बार फाइनली विक्टर टाइमली बाहर जाकर थ्रूपुट मल्टीप्लायर को फिट कर देता है और इसके बाद वो सेफली वापस भी आ जाता है। यहाँ सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि सबको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। बट यहाँ जब ओबी कंप्यूटर चेक करता है तो वो सबको बताता है कि रीडिंग में कुछ गड़बड़ी हो रही है। अब विक्टर उसे बताता है कि उसका डिवाइस कुछ लिमिटेड ब्रांचेज को ही रोक सकता है बट यहाँ तो इनफिनाइट ब्रांचेज हैं और इन्हें कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। और यहाँ लोकी को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है एंड यू कैन ऑल्सो फील दैट बिकॉज उसके इतने सालों की मेहनत खराब हो जाती है। यहाँ सिल्वी कहती है कि शायद उन ब्रांचेस को हमेशा मिट नहीं था। सिल्वी की बात सुनकर लोकी को एक आइडिया आता है और वो उस मोमेंट पर पहुंच जाता है जहाँ सिल्वी ही हु रिमेन्स को मारने ही वाली थी। यहाँ वो सिल्वी को रोकने की कोशिश करता है पर सिल्वी लोकी से कहती है कि अगर वो ही हु रिमेन्स को बचाना चाहता है तो उसे सिल्वी को मारना पड़ेगा और वो ही हु रिमेन्स को मार देती है और यही सर्कल बार बार होता रहता है। यहाँ लोकी सिल्वी को समझाता है कि शी कांट किल हिम क्योंकि अगर उसने ही रिमेन्स को मार दिया देन सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ लोकी को लग रहा होता है कि अगर टाइम लूप डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इससे सारा मल्टीवर्स भी खत्म हो जाएगा और साथ में टीवीए भी। सिल्वी को बार बार समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझ रही होती तो लोकी फ्रस्ट्रेट होके ही रिमेन्स से कहता है कि वो सिल्वी को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है और तब ही रिमेन्स अपनी टेम्परेट की हेल्प से सिल्वी को स्टॉप कर देता है। अब वो लोकी से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम ये सब कब से कर रहे हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि ही हु रिमेन्स को सब कुछ पता होता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है और लोकी यहाँ क्या करने का ट्राई कर रहा है। लोकी उससे पूछता है कि उसने अभी यहाँ क्या किया। इस पर ही हु रिमेन्स लोकी से कहता है कि क्या उसने अभी तक टाइम को स्टॉप करना नहीं सीखा। अब लोकी उससे पूछता है कि उसे लोकी के टाइम स्लिप के बारे में कैसे पता। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि ये सब कुछ पहले से ही हु रिमेन्स का प्लान था। उसने ये सब कुछ पहले से ही डिजाइन करके रखा था, इसलिए ही जब फर्स्ट सीजन में सिल्वी से मारने वाली होती है तो वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसको पहले से ही मालूम होता है कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ ही हु रिमेन्स लोकी को बताता है कि असल में टाइम लूप एक फेल स्विच है जो जब ब्रांचेस ओवरलोड हो जाती है तब ये एक्सप्लोड होकर अननेसेसरी ब्रांचेस को खत्म करके सिर्फ सेक्रेट टाइम लाइन को ही बचाता है जिससे टीवीए एंड उसमें रहने वाले सभी लोग एंड अदर अननेसेसरी ब्रांचेस सारी खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब सेक्रेट टाइमलाइन तो रहेगी ही बट कोई टीवीए नहीं रहेगा जो उन न्यू ब्रांचेस को प्रून कर सके जिससे फ्यूचर में मल्टीवर्सल वॉर हो सकती है। अब ही हु रिमेन्स लोकी से कहता है कि उसके पास दो ऑप्शन है।
पहला कि वो सिल्वी को हु ही रिमेन्स को मारने दे और फिर उसी पॉइंट में आ जाए जहां टाइम लूप डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके साथ टीवी भी खत्म हो जाएगा, और दूसरा वो सिल्वी को मार दे ताकि ही हु रिमेन्स बच जाए और इससे टाइम लूप भी डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा। यहाँ लोकी को समझ नहीं आता कि वो क्या चूज करे और वो ही हु रिमेन्स से कहता है कि वो सबको बचा लेगा। इस पर ही हु रिमेन्स कहता है कि वो ट्राई कर सकता है और वो लोकी का यहीं पर वेट करेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि लोकी टाइम स्लिप करके उस मोमेंट पे आ जाता है जहाँ पहली बार मोबियस लोकी का इंटरोगेशन कर रहा होता है। यहाँ लोकी मोबियस से पूछता है कि वो कैसे डिसाइड करता है कि किसको बचाना चाहिए और किसको नहीं। अब मोबियस लोकी को यहाँ एक इंसिडेंट के बारे में बताता है जिसमें दो हंटर को एक पर्सन को मारने जाना होता है जो फ्यूचर में काफी लोगों की जान लेगा। बट वहां जाकर एक हंटर रुक जाता है क्योंकि यहाँ उसे जिसको मारना था वो सिर्फ एक 8 साल का बच्चा था, क्योंकि इस मूवमेंट में वो उस बच्चे को प्रूव नहीं कर पाया जिसकी वजह से टाइम में ब्रांचेस बनने लगी और उसके कई सारे वेरिएंट बने जिसकी वजह से काफी सारा कैओस फैल गया था। और ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो हंटर उस दिन अपना काम नहीं कर पाया, इसलिए उसके पार्टनर को पास में जाकर उसका काम फिनिश करना पड़ा। और यहाँ हमें पता चलता है कि मोबियस अपनी और रेंसलेयर की बात कर रहा होता है। यहाँ मोबियस लोकी को बताता है कि हर पर्पस के पीछे एक बर्डन होता ही है। अब लोकी यहाँ से टाइम स्लिप करके उसी जगह आ जाता है जहाँ मोबियस, ओबी, केसी सब लोग बैनिश हो रहे होते हैं, और यहाँ वो सिल्वी को सारी बात बताता है और उसे कहता है कि उसे ही रिमेन्स को बचाना ही पड़ेगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ सिल्वी लोकी से कहती है कि उसके लिए तुम्हें मुझे मानना होगा और इसीलिए तुम यहाँ आए हो मेरी परमिशन लेने, बट मैं इसकी परमिशन तुम्हें नहीं देती। यहाँ वो लोकी से कहती है कि क्या वो ऐसा गॉड बनना चाहता है जो हर किसी की फ्री विल उनसे छीन ले, क्योंकि अगर वो सिल्वी को मारेगा एंड ही हु रिमेन्स को बचाएगा तो इससे वो बाकी सारे लोगों की फ्री विल छीन लेगा। यहाँ लोकी उससे कहता है कि फ्री विल का क्या फायदा अगर तुम जिंदा ही ना रहो, और तब सिल्वी उससे कहती है यू आर रिप्लेसिंग वन नाइटमेयर विद अनदर नाइटमेयर। और यहाँ लोकी को एक तीसरा ऑप्शन समझ आता है और वो टाइम स्लिप करके वहीं आ जाता है जहाँ टाइम लूम एक्सप्लोड होने वाला होता है। यहाँ वो सबको देखता है और फिर वो अकेले ही टाइम लूम की तरफ जाने लगता है। अब हमें दिखाते हैं कि लोकी पूरे टाइम लूम को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे सारी टाइम लाइन्स बिखर जाती हैं। इसलिए लोकी एक एक ब्रांच लाइन को पकड़ पकड़ कर उन्हें अपनी मैजिक से रिवाइव करने लगता है। यहाँ लोकी को पता होता है कि उसे ही हु रिमेन्स को रिप्लेस करना ही होगा। यहाँ वो टाइम एंड स्पेस में एक होल करके वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो सिटाडेल ऑफ टाइम में पहुंच जाता है। यहाँ वो अपने साथ सारी ब्रांचेस को भी ले आता है। अब वो यहाँ अपने थ्रोन पर बैठता है और सारी टाइमलाइंस लोकी के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। फिर ये सीन जूम आउट होता है और हमें दिखाते हैं सारी ब्रांचेस सेक्रेट टाइमलाइन के बदले एक ट्री में बदल जाती हैं, और ये ट्री है एक द्रासिल, द लार्ज ट्री ऑफ लाइफ। इस ट्री का रेफरेंस नॉर्स मिथोलॉजी से लिया गया है और ये हमने थॉर के फर्स्ट पार्ट में देखा था जब थॉर जेन को बता रहा होता है कि यही ट्री सारी 9 रियल्म्स को लाइफ देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें टीवी को दिखाते हैं जहां सबसे पहले हमें इसी ट्री का पोस्टर दिखाया जाता है। अब हमें पता चलता है कि टीवी किसी भी न्यू ब्रांचेस को प्रून नहीं करते बल्कि अब वो कैंग के वेरिएंट्स पर नजर रखे हुए हैं, और यहां हमें क्वांटमेनिया वाले कैंग का रेफरेंस भी दिखाया जाता है। यहां मोबियस B15 को बताता है कि वो अपनी रियल लाइफ में जाना चाहता है। अब हमें मोबियस को दिखाते हैं जो अपने घर के पास खड़ा होता है और तभी वहां सिल्वी आती है। यहाँ वो लोकी का जिक्र करती है, इसके बाद सिल्वी भी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें ओबी को दिखाते हैं जिसके पास टीवी की गाइड बुक्स का डिफरेंट वर्जन होता है क्योंकि विक्टर को फर्स्ट प्लेस पर कभी टीवी की गाइड बुक मिली ही नहीं होती है। अब हमें वॉइड में रेंसलेयर को दिखाया जाता है और इसके पीछे कुछ दूर हमें एक पिरामिड भी दिखाया जाता है जो कि ऑब्वियसली कैंग के एक वेरिएंट रामाटूट की तरफ इशारा है, और तभी वहां रेवोना के सामने अलायत आ जाता है। और अब हमें लास्ट सीन में लोकी को दिखाया जाता है जो कि उन टाइमलाइंस के बीच में बैठा है एंड श्योरली ही इज नॉट लुकिंग हैप्पी, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। दिस फिनाले वाज सो ग्रेट, दिस एपिसोड वाज डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट थिंग दैट मार्वल हैज एवर मेड। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। लोकी के बारे में डिस्कशन हम आने वाले वीडियोस में जरूर करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।